और आइए अब गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई। देश में कोरोना का आंकड़ा 9000 पार कर गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद देश में बढ़ती जा रही है। ये तादाद अब बढ़कर 9152 हो गई है, जो कि कल तक 8356 थी। कोरोना से अब तक 308 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में बढ़े करीब 700 कोरोना के मरीज। कल 24 घंटे में 800 से ज्यादा मामले सामने आए थे, तकरीबन 909 मामले सामने आए थे, और अब पिछले 24 घंटे में 700 कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और आंकड़ा 9000 के पार चला गया है। 9152 कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, कोरोना अलर्ट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि घर पर रहिए। घर पर रहकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, परिवार को सुरक्षित रखेंगे, प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे और जिससे देश सुरक्षित रहेगा। लगातार एबीपी गंगा अपील भी कर रहा है, लेकिन देखिए ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये वाकई में चिंता बढ़ाने वाला है और ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी नियमों का पालन करें जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर कोरोना से आर्थिक स्थिति पर असर। आवास और विकास परिषद में आर्थिक कटौती। अफसरों की हवाई यात्रा पर एक साल तक ब्रेक लग गया है। अफसरों की हवाई यात्रा पर एक साल तक के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। कमिश्नर ने ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए निर्देश दिए हैं। अफसरों को मिलने वाले खर्चे में भी कटौती कर दी गई है। कार्यालय मरम्मत के कार्यों में भी कटौती की गई है। ये तमाम कदम उठाए गए हैं। कोरोना से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। इस वक्त यूपी के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश बताइए, क्या क्या फैसला लिया गया है आर्थिक स्थिति को देखते हुए? देखिए, ये वैश्विक आपदा है और इसका असर न केवल भारत पर बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा है और इसका असर भारत और उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिला है। और ये अभी एक वानगी आपको देखने को मिल रही है कि आवास विकास परिषद ने किस तरह से आर्थिक कटौती अपने विभागों में की है। लेकिन अगर हम बात करें अन्य विभागों की और उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरीके से 3 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने मितव्ययिता से काम किया और बहुत सारे ऐसे खर्च जो पिछली सरकारों में होते थे उसे रोकने की कोशिश की, यही वजह है कि आपने देखा कि आर्थिक संसाधन से लबालब प्रदेश, जिसे बीमारू स्टेट कहते थे, किस तरीके से 1000 रुपए जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उन्हें देने की कोशिश की और उन्हें देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अर्थव्यवस्था डगमगाई है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आवास विकास परिषद के अध्यक्ष ने मितव्ययिता बरतने का प्रस्ताव जारी किया है। और अभी जैसा कि 15 तारीख से सारे मंत्री अपने कार्यालयों में बैठेंगे और विशेष सचिव और विशेष सचिव से ऊपर के सारे अधिकारी और सेक्शन ऑफिसर्स अपने कार्यालयों में बैठेंगे, तो ये कटौती और भी पूरे प्रदेश में अन्य विभागों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है, उसका असर है, कोई काम धाम नहीं हो रहा है और न केवल जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है बल्कि उसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। जाहिर तौर पर विदेश, जब सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, देश प्रदेश हर जगह रुके हुए हैं, सब थमे हुए हैं, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाना लाजमी है और उसी को पटरी पर लाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। खर्चों में ये कटौती का फैसला किया गया है कोरोना से आर्थिक स्थिति पर, जिसका सीधा असर पड़ा है। एक बार फिर से आपको बता दें, आवास विकास परिषद में आर्थिक कटौती की गई है। अफसरों की हवाई यात्रा पर अब 1 साल तक के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। कमिश्नर ने ट्रेनों से सफर करने के बाकायदा निर्देश भी दे दिए हैं। अफसरों को मिलने वाले खर्चे में भी कटौती की गई है। अब देखिए, विभागों में कटौती से तो काम चल जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन में गरीब भूखा मरने की कगार पर खड़ा हुआ है। गरीबों के संघर्ष की तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई है। यहाँ जिला प्रशासन की बात मानते हुए लोग तो घर में हैं, लेकिन उन तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा। अब तक कई घरों में राशन नहीं मिला है, लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि एक माँ के सामने उसका बेटा बिस्तर पर पड़ा पीलिया से जूझ रहा है, लेकिन बंदिशें ऐसी हैं कि ना पैसा है, ना जरूरी सामान है, ना ही बेहतर इलाज के लिए कोई रास्ता इन लोगों के पास है।
गरीबों की समस्या तो बढ़ती जा रही है, कमोबेश हर जिले में ऐसा ही हाल है। ये देखिए ये तस्वीरें, वाकई देखेंगे तो अब मैं भी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि इस वक्त इस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि बच्चे को पी लिया है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आसपास के लोग मदद के लिए नहीं आ सकते क्योंकि लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है, और ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि प्रशासन इन तक राशन पहुंचाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन की ही है। आवश्यक सेवाओं और दवाइयों की कोई समस्या नहीं है, अतः किसी भी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता इसमें नहीं है एवं प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, परंतु जन सहयोग अपेक्षित है। और इसके साथ ही यह अनुरोध है कि यदि किसी की भी ये समस्या आती है, कोई कोरोना के जो लक्षण है उससे पीड़ित है, अथवा किसी अन्य के बारे में जानकारी मिलती है कि उनको कोरोना के संदिग्ध लक्षण हो सकते हैं, तो तत्काल जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। वह जिलाधिकारी के अन्य सभी अधिकारियों के सीयूजी नंबर हमारे नेट पर भी अवेलेबल है, प्रत्येक जगह अवेलेबल है, तो हम सभी से सीधे संपर्क किया जा सकता है। उधर के देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था जब देश को संबोधित किया था कि अगर जो भी जरूरतमंद है आप उसकी मदद करेंगे तो असल में वही है देश सेवा। ग्रेटर नोएडा में तब हड़कंप मच गया जब गलगोटिया कॉलेज से खबर आई कि क्वारंटीन सेंटर की 7वीं मंजिल से एक युवक ने कूदकर सुसाइड किया है। ये वाकया देर रात करीब 8 बजे का है जब अचानक इस युवक ने हॉस्टल से छलांग लगा दी। ये बताया जा रहा है कि मृतक जो है वो नोएडा के फेज 2 का रहने वाला था, जो परिवार से अलग होने के बाद लगातार टेंशन में था, तनाव में था, पहले भी सुसाइड की धमकी वो दे चुका था। बता दें कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 14 कोरोना संदिग्धों को रखा गया है, साथ ही हॉस्टल में 346 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें से एक युवक ने अभी आत्महत्या की है। घर से अलग होने की वजह से टेंशन में सुसाइड किया है इस शख्स ने 7वीं मंजिल से कूदकर। तो मतलब इस तरह के पेशेंट लोग कभी कभी जो सुसाइडल टेंडेंसी टाइप होती है ना, इसलिए कहते हैं ये लोग भागते हैं दौड़ते हैं, ये होता कभी स्वास्थ्य विभाग के सभी लोग निगरानी था, अभी मेरे पास जानकारी नहीं पता लगा, ये सब जो है जांच का विषय है। कैसे ग्रेटर नोएडा के बाद अब खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है जहां पर कार्रवाई के बाद तैनाती की गई है अमित मिश्रा। जी हां, अमित मिश्रा बने सजेती थाना अध्यक्ष। शराब से मौत के मामले में ये गाज गिरी थी वहां के थाना अध्यक्ष पर और तमाम लोगों को निलंबित किया गया था, कुछ पुलिस वालों को भी निलंबित किया गया था। अब बड़ी जानकारी ये आ रही है, एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। 2 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने के बाद, और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अमित मिश्रा बने हैं सजेती थाना अध्यक्ष। और देखिए कानपुर में एबीपी गंगा के खबर दिखाने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, तो साथ ही ग्राम सचिव लेखपाल को भी सस्पेंड किया गया है। बता दें आपको कि सजेती इलाके में लॉकडाउन के दौरान शराब का खेल चल रहा था, जहरीली शराब बेची जा रही थी, और जो जहरीली शराब बेची जा रही थी उसकी वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, 6 लोगों की जान पर बनाई थी, जिसके बाद आपके चैनल एबीपी गंगा ने लगातार इस खबर को दिखाया, प्रशासन को जगाया और प्रशासन के दावों पर सवाल उठाया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। और लॉकडाउन में अगर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी तो ऐसे में शराब का ये खेल कैसे चल रहा था, ये सवाल लगातार एबीपी गंगा उठा रहा था, और अब ये बड़ा एक्शन हुआ है, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद ये बड़ी कार्रवाई कानपुर प्रशासन की तरफ से की गई है। कानपुर में जहरीली शराब पीने से मौत के बाद गोरखपुर में भी आबकारी विभाग अब सक्रिय हो गया है। यहां पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई पर सीएम सिटी में अवैध रूप से बेची जाने वाली कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया है, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पुलिस वहां मौजूद भट्टियों को नष्ट करते हुए। राजघाट के राप्ती नदी के किनारे अमरूतानी में बरसों से अवैध कच्ची अवैध शराब की बिक्री का धंधा जोरों पर चल रहा था, जिसके बाद लॉकडाउन में सक्रिय हुए आबकारी विभाग ने छापा मारकर वहां भारी पैमाने पर भट्टियों को नष्ट किया, और किस तरह से भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है तस्वीरें आपके सामने हैं।
में लॉकडाउन के पश्चात कहीं पर भी अवैध शराब की बिक्री ना हो, तो डीएम साहब के निर्देश पर प्रवर्तन अभियान आबकारी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। 25 मार्च से हमारा अभियान चल रहा है। अब तक हम लोगों ने 33 मुकदमे पकड़े हैं, 576 लीटर शराब बरामद हुई है और करीब 17,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। और गोरखपुर के बाद इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ये खबर बाराबंकी से आ रही है, जहां पर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 25 क्विंटल लहन और 50 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। रामनगर मसौली पुलिस ने छापा मारा, आबकारी विभाग के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कच्ची शराब बनाने के आरोपी को आरोपी फरार है, लेकिन रामनगर इलाके में बन रही थी अवैध कच्ची शराब। देखिए, अलग अलग जिलों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कानपुर से मामला शुरू हुआ, उसके बाद गोरखपुर में भट्टियों को नष्ट किया गया, अब बाराबंकी से ये बड़ी जानकारी आ रही है। रामनगर और मसौली में आबकारी विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कच्ची शराब बनाने के आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। बाराबंकी के बाद अब खबर अमरोहा से है, जहां पर उस वक्त लोग अपने घरों के छतों पर आ गए जब अचानक यमराज सड़क पर घूमते हुए नजर आए। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, असल में यमराज अकेले नहीं थे बल्कि खाकीधारी पूरी सेना उनके साथ थी। और देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस भी अलग अलग तरीके अपना रही है। सुरक्षा के बीच सड़कों पर यमराज को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, और जब यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ, तो सभी ये सुनकर हैरत में पड़ गए कि आखिर यमराज जी यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन जब यमराज ने सभी से माइक पर लॉकडाउन का पालन करने का ऐलान किया, तब सभी की समझ में आ गया कि आखिर ये यमराज कौन है। जरा सुनिए आप भी। लॉकडाउन के आदेश हुए थे, तुमने उनका उल्लंघन किया है, अब उल्लंघन किया है तो इस बीमारी को हम बाहर से लेकर के अपने घर। ये देखो, एक व्यक्ति लॉकडाउन के पालन नहीं करता है, लॉकडाउन का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है और सड़क पर बिना मास्क के पाया जाता है, तो उसे उचित दंड दीजिए। और अगर वो आपसे आपके आदेश का पालन होगा, जो कोई बिना मास्क के बाहर मिलेगा। तो देखिए, यमराज जी संदेश तो गंभीर दे रहे हैं, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आप भी अगर घर के बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं, अमूमन तो नहीं जाना चाहिए, अगर जा भी रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मास्क पहनना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात मुरादाबाद की। मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने 4 थाना इलाकों में पूरी तरह से सड़कों और गलियों को बंद कर दिया है, और मीडिया कर्मियों को भी अपने घर आने जाने से रोका जा रहा है। हालांकि मुरादाबाद में अभी तक कोरोना के 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, जिसमें से एक छात्रा ठीक होकर अपने घर भी जा चुकी है और एक छात्र का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जिले में सिर्फ एक केस पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले मीडिया वालों को भी आने जाने से रोक रहे हैं, एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। मुरादाबाद में लॉकडाउन का पाबंदी से अमल कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मुरादाबाद के शहर के पुराने इलाके के जो 4 थाना इलाके हैं, मझोला और मुगलपुरा, नागफनी और इसके अलावा कटघर थाना इलाका, इन 4 इलाकों को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद के जो मुख्य मार्ग हैं अंदर शहर में जाने के, ये बारादरी का रोड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि सावधान, कोरोना संभावित क्षेत्र है, आवागमन निषेध है, कोरोना संभावित क्षेत्र है। इस तरह यहाँ पर जो लोग रहते हैं, पूरा बड़ा शहर है, 4 थाना इलाके, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुरादाबाद के जो 4 थाना इलाके हैं उनको पूरी तरह से इस तरह से बैरिकेड करके ये जो है वो चेतावनी वाले बोर्ड जो है फ्लेक्सी वो लगा दिए गए हैं, और इस इलाके में रहने वाला कोई भी आदमी ना बाहर आ सकता है ना जा सकता है। और इस तरह से यहाँ पर, हालांकि हम आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद में आज की तारीख में सिर्फ एक पॉजिटिव मरीज़ है, इससे पहले एक मरीज़ और पॉजिटिव पाई गई थी, एक छात्रा थी जो फ्रांस से पढ़कर आई थी, उसकी रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद उसको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा जो दूसरा आज एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट सिर्फ एक आई है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, वो दिल्ली रहता था, उसकी आज रिपोर्ट आई है, वो संक्रमित है। इसके अलावा मुरादाबाद जनपद में कोई और मरीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन ने इस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और किसी भी रास्ते से किसी भी आदमी को जाने नहीं दिया जा रहा। इवन मीडिया कर्मियों को भी उनके घर से आने जाने की इजाज़त नहीं है, रास्ते पूरे बंद कर दिए गए हैं। और मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। उबैदुर रहमान, APP गंगा, मुरादाबाद।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना पर। सीएम योगी करेंगे बड़ी बैठक। आपको बता दें आज फिर से टीम 11 के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सुबह 11:30 बजे बताया जा रहा है कि सीएम ये बैठक लेंगे। आपको बता दें कि 11 जो कमेटियां हैं उसका गठन किया गया है। अलग अलग जो टीम्स हैं वो बनाई गई हैं। इन टीम्स के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे ये बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन का बस एक दिन बचा है, कल आखिरी दिन है और अब आगे प्रदेश की क्या रणनीति हो इस पर बकायदा चर्चा की जाएगी। चूंकि अलग अलग स्टेट्स हैं जिनकी तरफ से ऐलान किया गया है लॉकडाउन का, पंजाब की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बड़ी रणनीति तय होगी 11:30 बजे इस बैठक पर। एबीपी गंगा की नजर लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर के बाद। अब पूरे प्रदेश में कार्रवाई तेजी से जारी है। आपको बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ चल रहा है ये अभियान। लखीमपुर खीरी में पुलिस की छापेमारी हुई है। जंगलों में 50,000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई है। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। निघासन के जंगलों में बन रही थी ये अवैध कच्ची शराब। कानपुर के बाद पूरे प्रदेश में अब तेजी से कार्रवाई चल रही है। अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान 5,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया है और बाकायदा 2 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कानपुर में कच्ची शराब बेची जा रही थी, जो खबर एबीपी गंगा ने दिखाई, जिसके बाद आबकारी विभाग जागा अलग अलग जिलों में और अलग अलग जिलों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर, जहां 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है बल्कि 5,000 कच्ची लीटर शराब को भी नष्ट किया गया है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बीच कुछ गैर जिम्मेदार लोग अपने शराब के शौक को पूरा करने के लिए ना सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। यहां धारा 144 का उल्लंघन कर लोगों ने सामूहिक रूप से शराब का सेवन किया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। खेतों में बढ़िया वाली बैठे 4-5 आ रहे हैं ये पानी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचाने गए लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो लॉकडाउन में शराब पार्टी का ये वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन देखिए ये वीडियो दिखाने का मकसद है कि ये वो गैर जिम्मेदार लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पंडित जी हमारे इनके खेतन पर अठिया न पे नागन डांस दिखाओ कि पता चले कि आखिर ये ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें किसी चीज का डर नहीं, कानून का डर नहीं, और बड़ी बात यह कि प्रदेश का, अपने परिवार का, लोगों का डर नहीं। क्योंकि कोरोना से इस वक्त पूरा देश भयभीत है। लगातार हम कह रहे हैं आपको कि कोरोना से बचने के लिए आप घर पर रहिए। और अगली खबर भदोही से है, जहां पर एक मां ने अपने 5 बच्चों को गंगा नदी में फेंक दिया। पति से विवाद होने के बाद दिल दहला देने वाली इस घटना को इस महिला ने अंजाम दिया। 2 बच्चों के शव अब तक मिल चुके हैं। ये घटना गोपीगंज के जहांगीराबाद की है। महिला ने बताया कि पति से झगड़े के बाद उसने ये कदम उठाया है। पति से झगड़े के बाद पत्नी इतने गुस्से में आई कि उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 2 बच्चों के शव मिल चुके हैं और इस मां ने अपने 5 बच्चों को गंगा में फेंक दिया अपने पति से झगड़े के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आप जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम कौशल के साथ।